सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं कोई राइड पे नहीं जा रहा हूँ या कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है वो डेली ब्लॉग की तरह होने वाला है। तो मैं आपसे कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग बनाने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बाइक का पोल्यूशन करवाने के लिए, क्योंकि कल ही पोल्यूशन एक्सपायर हो गया है। तो भाई अपना गाड़ी का पेपर सही रखना चाहिए हमेशा। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, अरे स्टार्ट हो जा। लेकिन आज ही अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना, बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे छोड़ दे। अभी बज रहा है कितना है, अभी 1:45 बज रहा होगा, ये 12:30 बज रहा है। सो बाइक से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बहुत पास ही है। एक्चुअली मैं कल भी ये वाला ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मैं अपने गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज किया ना, तो उसका भी ब्लॉग बनाया था। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, माइक जो है ना उसका बैटरी लो हो गया था, तो वो साउंड सही से आया ही नहीं। तो कल वाला ब्लॉग एकदम बेकार हो गया। तो इसलिए आज फिर से ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा होता है, माइक ठीक हुआ कि नहीं हुआ। कि वॉइस अगर सही से नहीं आता ना तो बेकार हो जाता ना ब्लॉग। भाई साहब आराम से। ओहो यहाँ पर क्या हवा चलता है, इस गली का नाम है हवा गली। भाई जा भाई आगे। अब क्या ना, डेली डेली तो घूमने का कोई प्लान नहीं हो रहा या राइड पे नहीं जा सकता, तो ब्लॉग कुछ कुछ देना चाहिए यार। नहीं तो क्या होता है, यूट्यूब एंगेज करना बंद कर देता है एकदम। भाई ये ऑटो वाले, मैं सही में ऑटो वालों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओ बंदे का क्या हो गया, पंचर हो गया क्या शायद से। भाई कोई कोई तो डेली ऐसे ऐसे ब्लॉग बना के उसका देखता हूँ चैनल एकदम तड़क तड़क ऊपर जा रहा है। जस्ट ऐसे ही ब्लॉग बनाता है, रास्ते में घूमते फिरते उसी का ब्लॉग बनाता है, तो वो एकदम चल जाता है चैनल। हालांकि वो लोग यंग है और बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी है, मतलब सच बताओ अगर आप डेली ब्लॉग करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, और जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना उसी के लिए डेली ब्लॉग है। तो मैं आपसे कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग बनाने का। होगा तो नहीं, क्योंकि डेली में क्या ही दिखाऊँ, मैं सोता हूँ उठता हूँ एडिटिंग करता हूँ, बस यही है। और प्रीति को, वाइफ को, उसका ऑफिस छोड़ने जाता हूँ, और तो कोई काम नहीं है। अगर मैं डेली ऐसे ही दिखाता रहूँ तो लोग बोर नहीं हो जाएंगे। चलिए ये भी कोशिश करके देखता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना कि आप डेली ब्लॉग देखना चाहते हो। और एक बात, जो भी ब्लॉग देख रहा है ना, अगर बाइक ट्रिप करना चाहता है लद्दाख का, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो ऑटो वाले आगे जाके खड़े हो गए ना, तो कोई केस नहीं होगा। है ना, अजीब है, ऑटो वालों को इतना ज़्यादा छूट दे के रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार, कुछ भी कर सकते हो लोग। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप लद्दाख ट्रिप करना चाहते हो बाइक में, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, एकदम कम पैसे में मैं ट्रिप करवा सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे उसे लाभ नहीं उठाना है, बस मेरा एक शौक है। मेरा दोस्त है वो तो जा ही रहा है, वो ट्रिप करवाता है, और उसका भी शौक ही है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उससे फ़ायदा लेता है, वो हर साल एक बार करवाता है और वो जाता है। देखा बातों बातों में सीधा ही चला जाता, यहीं पे करवाना है अभी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे भाई ये तो टैंकर भी खड़ा है यहाँ पे। भाई साहब ये देखो तेल डाल रहा है ऐसे करके ओपनली। चलिए पूछता हूँ दादा, होच्चे पॉल्यूशन? बाइक बाइक फोर फोर साइडे ये घंटे रखी।
भाई साहब ये देखो तेल, अब आया मेरा बारी, अब देखते हैं। डॉल्फिन को तो है गंदा भी हो गया मेरा गाड़ी, उसको धोना पड़ेगा, पूरा गंदा गंदा हो गया। ये बरसात के सीजन में एक प्रॉब्लम है। ये अखन सामने दिए हमको तुलते अच्छे पूरा तुलते अच्छे মানে ভিডিও করে তোমাদের ইয়েতে রেখে দেবে ওখানে। ও বাবা, এক বছর এত চেঞ্জ হয়ে গেছে তো ভাই। আপনার পেপার পুরা বাইক কা কমপ্লিট হয়ে গিয়া, ইন্স্যুরেন্স ভি করবা লিয়া। ইন্স্যুরেন্স কা তো লফড়াই হয়ে গিয়া থা ইয়ার, পেপারই নি মিল রা থা, ফির বহুত মুশকিল সে পেপার মিলা, মতলব অনলাইন কাগজ ওয়াগজ আয়া। মেয়ে কে সোচ রা হু এক দিন ওলা উবের করকে দেখু कैसा होता है, और एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। काफ़ी मोटो व्लॉगर लोग ये करते हैं तो मेरे को भी शौक चढ़ा, लेकिन मेरे बाइक में ये एक प्रॉब्लम है कि ये बाइक जो है थोड़ा ऊंचा है ना, मतलब पिलियन सीट थोड़ा ऊंचा है, स्प्लिट सीट है, तो उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मौसम एकदम बढ़िया होके रखा है यार, ना बारिश हो रहा है और ना धूप है, एकदम क्लाउडी क्लाउडी वेदर है। और ये वाला जगह तो आपने देखा ही होगा, पाटूली। तो यहाँ पर कुछ फोटोशूट किया जाए क्या? नो पार्किंग, नो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन, यहाँ पर करता हूँ एक फोटोशूट। सफाई चल रहा है भारी भरकम, लेकिन क्या होता है लोग शाम को आते हैं ना, फिर से गंदा कर देते हैं। और यहाँ शाम को इस ब्रिज में भी काफ़ी लोग आते हैं, आके खड़े रहते हैं, देखने में अच्छा लगता है यार। मैंने फ़ोटोशूट भी किया है यहाँ पे, मैंने फ़ोटोग्राफी भी किया है। आप अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो या सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो मेरे और एक चैनल है जहाँ पर मैं फ़ोटोग्राफी सिखाता हूँ, सिनेमाटोग्राफी सिखाता हूँ, या मोबाइल का रिव्यू देता हूँ, मोबाइल कैमरे का, मतलब फ़ोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी रिलेटेड जितना भी मतलब कंटेंट होता है मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल का मैं लिंक दे दूँगा, आप ऐसे सब्सक्राइब कर सकते हो और फोटोग्राफी सीख सकते हो। मैं बहुत ही ईजीली सिखाता हूँ, इतना हाई फाई करके नहीं सिखाता, मतलब इतना डीप में जाके आपको सीखने की ज़रूरत नहीं फ़ोटोग्राफी यार। भाई अब से ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे डैश कैम होता है ना बड़े गाड़ी का, वैसे बाइक का भी होना चाहिए। हालांकि है लेकिन ज़्यादातर लोग लगाते नहीं है, कॉस्टली पड़ता है ना, लेकिन मेरे ख्याल से सस्ता कर देना चाहिए और मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी झमेला होता है ना यार तो वो आपको पता चल जाता है कि किसका मतलब गलती है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं जब भी निकलूँ मैं अपना गोप्रो लेके ही निकलूँ। लेकिन एक बात है, डेली अगर बाइक चलाते हो ना कोलकाता में सिटी के अंदर, इतना केओस देखने को मिलेगा ना, मज़ा आता है कभी कभी। कल ही मैं जहाँ पे गया था इंजन ऑयल खरीदने के लिए तो वहाँ पर ही झमेला हो गया था, क्योंकि जो बाइक ठीक करने वाले मैकेनिक होते हैं ना वो पूरे रास्ते के ऊपर है, ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, तो वो पूरे रास्ते के ऊपर है। अगर वहाँ पर कोई दुकान में कुछ भी सामान खरीदने जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है बाइक रखने के लिए, जगह ही नहीं है, क्योंकि उन लोग खड़े करने की जगह ही नहीं देते हैं। तो ये बैटरी हबे है भाई, दो बैटरी एक्स्ट्रा ले लिया माइक का। पतली गली से निकलता हूँ, सर तालाब देखने से ना नहाने का बहुत दिल करता है यार, बचपन में ऐसे तालाब में नहाता था, कितना मज़ा आता था। मैं बहुत छोटे से ही मुझे स्विमिंग आता है, बहुत छोटे से, मैं क्लास शायद
4 या 5 से ही मुझे स्विमिंग आता है। भाई तब तो कोई सेफ्टी वेफ्टी भी नहीं था, ऐसे ही मम्मी पापा लोग छोड़ देते थे। सोचो आजकल के मम्मी पापा छोड़ते नहीं है भाई। स्विमिंग पूल में एकदम प्रॉपर स्विमिंग पूल में सिखाया जाता है, लेकिन तब के टाइम में तो चले जाते थे और उतर जाते थे। डर भी लगता था, कैसा है ना। वेदर काफ़ी ज़बरदस्त है, एक बाइक राइड तो करना ही चाहिए। देखता हूँ हिमाद्री को बोल के अगर कल या परसों हिमाद्री निकलता है। हालांकि जिस ग्रुप में मैं हूँ उन लोग जा रहे हैं दीघा, लेकिन दीघा जाना मुझे पसंद नहीं है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता दीघा। और कितना ही बार जाओ यार, जा जा के एकदम सड़ गया हूँ मैं, एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। देखते ये सैलून खुला है क्या? हाँ खुला है यार, हेयर कट करवाना था बहुत दिनों से। खालिया से दुजना से। तो भाई कैसा लगा ब्लॉग, डेली ब्लॉग? बाइक से स्टार्ट किया था, अब बाइक पे एंड करता हूँ। हालांकि ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।